अस्सलामुअलैकुम सामीन नाज़रीन और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई है उस सबको आपने बड़ा वॉच किया और कमेंट्स किए और काफ़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। आज का जो मेरा इरादा है कि मैं आपको बाहर ले चलूं और हेलोवीन जो यहाँ जो भूतों का त्यौहार मनाया जाता है तो उसके बारे में बताऊं और कुछ जगहें भी दिखाऊं कि ये घरों के बाहर क्या क्या चीज़ें, भूत, चुड़ैल और बहुत सी चीज़ें, पम्पकिन जो जिसे हम कद्दू कहते हैं उसको आवाज़ा करते हैं, लोगों के दिखाते हैं। तो ये हेलोवीन त्यौहार जो भूतों का त्यौहार कहलाता है, ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कौन लोग मनाते हैं, इसकी तारीख क्या है, तो मैं आपको जगह पे ले चलूँगा, दिखाऊँगा। तो बस अभी घर से निकलते हैं। आज 18 अक्टूबर है, वैसे तो ये 31 अक्टूबर को की रात को मनाया जाता है, तो लेकिन यहाँ जो लोग हैं, रेजिडेंस हैं यहाँ अमेरिका में, न्यू जर्सी में, इस वक्त में यहाँ पूरे अमेरिका या और जगह यूरोप में और काफ़ी जगह मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो वो लोग अपने घरों के बाद इसकी सजावट और जो करते हैं क्या क्या चीज़ें, भूत और स्केलेटन, पम्पकिन, ये सब चीज़ें और बहुत सी चीज़ें जो है ना, चुड़ैल वगैरह, यानी ये जो कबीला था कैल्टिक के नाम से कबीला, वो ये मनाया करता था। ये तारीख तो इसकी 2000 साल पहले की है, 2000 साल से ये है, क्योंकि उस कबीले के लोग जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग जो इस वक्त फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम कहलाता है वो लोग थे। फिर यहाँ अमेरिका में ये लोग आबाद हुए तो कॉस्ट्यूम भी लेके आए सब, ये भूतों के, चुड़ैलों के और सबके, वो लोगों ने, ये बड़ा फैल गया यहाँ पे। तो इसकी क्या वजह है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो उसकी इबलीस की जो है, शैतान की पूजा करते थे, उसको खुदा मानते थे, और अभी भी उनका कोई मजहब तो है नहीं, तो वो उसको खुश करने के लिए और उसको जलील करने के लिए, खुद भी मकसद जलील होते थे और बेकार के, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं उसमें तो इंसान अच्छे खासे खूबसूरत लिबास पहनता है, और हमारे जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर है और दीगर मज़हब में भी त्यौहार है तो बन ठन के निकलता है, मगर यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ तो जितना मकसद है कि वो डरावना और दिखाता है ताकि इबलीस, इनका शैतान जो है, खुश हो और वो उनसे खुश हो जाए और उनके काम करे, क्योंकि इनका अकीदा ये है कि शैतान जो है वो सारे बुराई की जड़ है, तो खात्मा भी बुराई का वही करेगा। तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और हमारे लोग जो मुसलमान भी इस जानिब अगर जो त्यौहार मनाते हैं, अल्लाह इनको भी हदायत दे, आमीन सुमा आमीन। तो चलो हम चलते हैं फिर, अभी तो आपको लेके चलता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, चले। गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो फिर हम आगे जाके मैं आपसे और तफसीलात से आगाह करता हूँ, चले अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये घरों के बाहर इस तरह सारी चीज़ें लगाते हैं, ये चुड़ैल के, और देखें सारी चीज़ें हेलोवीन आने से पहले ये अपने घरों को इस तरह सजाते हैं। अमेरिका भर में सारे अपने घरों के बाहर जो है और भी मैं आपको घर दिखाता हूँ ले जाके, और भी देखिए आप, जो कब्रों के बाहर हम लगाते हैं कुतबे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जी, ये देखिए
हेलो इवनिंग से ये हेलोवीन शुरू हुआ है। हेलो ये सैंड को कहते हैं और इवनिंग 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हेलोवीन, तो फिर हेलोवीन का नाम दिया गया है इसके अंदर। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इस वक्त आपको होम डिपो लेके आया हूँ पैटरसन में, न्यू जर्सी में। यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि हेलोवीन में जो कॉस्ट्यूम और जो यहाँ सेल होती है वो ये मैं बता दूँ आपको कि कितनी क्या क्या रखते हैं ये लोग सेल के लिए। अब आपको मैं एक अंदाजे के हिसाब से बताऊं कि अमेरिका में हेलोवीन के मौके पे जो इसकी सेल होती है, ये त्यौहार एक तरह से मार्केटिंग और बिजनेस भी बन गया है अमेरिका में। और बिजनेसमैन जैसे अब पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन ये करने लगे हैं अपने स्टोरों में ये सब चीजें सेल करने के लिए, कारोबार करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अब अमेरिका में जैसे 9 बिलियन डॉलर यानी 9 अरब डॉलर का इसकी सेल होती है। तो आप अगर आज 18 तारीख है 18 अक्टूबर, तो आज का मैं रफली अगर हम अंदाजा लगाएं कि कितना बनता है, तो 9 बिलियन के जो हम 9 अरब डॉलर के अगर लगाएं 219 रुपए के हिसाब से भी लगाएं तो 1971 अरब बनते हैं। 1971 अरब बनते हैं यहाँ पे, इतनी मकसद है कि सेल होती है। इंडिया के हिसाब से लगाएं 9 अरब तो अब 82 रुपए का डॉलर लगाते हैं इंडिया का, तो 738 अरब बनते हैं। बांग्लादेश का अगर लगाएं तो समझें कि बांग्लादेश का नियर अबाउट 105 के करीब मैंने लगाया हिसाब डॉलर की प्राइस, तो बांग्लादेश के हिसाब से भी 945 अरब की परचेज होती है। तो अब इतनी सारी यहाँ देखिए सेल ये रखी हुई है, तो मैं अंदर ले जाकर आपको दिखाता हूँ हेलोवीन की चीजें। भाई देख लें ये पपकिन है, $9.98 का है ये वाला, ये कद्दू हम जो कहते हैं कद्दू, और यह पम्पकिन कहलाता है। इसके मुख्तलिफ डिजाइन के ये लोग सेल करते हैं, ये 788 डॉलर का है। ये स्केलेटन भी लगा हुआ है ये देखें। अब ये सीजन है यहाँ का पम्पकिन का, यहाँ जो है ये अक्टूबर के उसमें सर्दियां आती है तो ये सीजन है समझ लें। तो इसके अंदर लालटेन जलाई जाती है, तो हर घर के बाहर रखते हैं ये लोग यहाँ वाले। इसकी वजह ये है कि इनको ये समझते हैं जैसे आप भी समझते हैं कि चुड़ैल वगैरह जो भी है, शैतान चुड़ैल जो भी ऐसी मकसद है कि नापाक मखलूकात है, ये सब उससे डरते हैं आप जानते हैं ना कि लाइट से और उससे आग से इनको बड़ी नफरत है, भागते हैं ये। तो ये हर घर के बाहर ये लोग यहाँ लगा लेते हैं। वो इनका मकसद ये होता है यहाँ वालों का कि जब ये इस रात को जो ना इनके जो जितने अजीज वकारीब हैं भूतों की शक्ल में आते हैं, और आपने देखा होगा इनकी शक्लें वगैरह हेलोवीन में, तो वो उस भूत पर आते हैं तो इसकी लाइट देख के ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो ये लोग देखे परचेस कर लें सब लोग अपने घरों के बाहर। इसके अंदर डिजाइन ये वैसे भी रखते हैं और इसमें लाइटें भी जला के रखते हैं। और उस दिन बच्चे जो ना ट्रिक एंड ट्रीट के नाम से भी बच्चे आते हैं घरों में, और वो जो है खास करके घर के लोग जो है ना उन बच्चों को टॉफियां देते हैं। उनका मकसद ये होता है, बच्चे कहते हैं कि भाई आप हमें ट्रीट देते हो या कोई ट्रिक दिखाएं, यानी हम शरारत करें आपके यहाँ, आपके घर को तोड़े या सामान को तोड़ दें। तो लोग ये इनका कंसेप्ट था कि लोग आते हैं तो ये जो, और वो ये लिबास पहन के आते हैं ये सब हेलोवीन के इस किस्म के कि भाई हम जो है, तो वो घर के बाहर जो है लोग टेबल वगैरह लगाए होते हैं और उनको दे देते हैं कि भाई चॉकलेट है टॉफी है, ताकि ये रस्म बन जाइए। इंडिया में भी मेरे जहन में एक था एरायो मेरायो कहलाता है, कराची में भी मैंने देखा था हमारे वहाँ पहले, वो एक लकड़ी के ऊपर जो है ना वो एक प्लेट नुमा होता है मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर आग लगा के बच्चे घर घर जाते हैं रात को। अब तो खत्म हो गया ये हमारे बचपन के दौर की मैं बात करता हूँ। बल्दिया टाउन में भी मैंने एक बार देखा था, ये डिब्बे में रख के मोमबत्ती लेके आते हैं बच्चे, तो लोग 5-5 पैसे उस वक्त डालते थे। अब तो खत्म हो गया, अब तो मॉडर्न दौर आ गया है। तो वो वैसे मिलता जुलता है हमारा हेरा मेरा इंडिया में इसको कहते थे हम लोग। चले मैं अंदर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सेल के लिए इन्होंने रखे हुए ये सारे होम डिपो में।
कि लोग जो है ये सब परचेस करते हैं, अपने घरों के बाहर रखते हैं। ये $199 का है, $200 का तकरीबन। ये वाला जो आदमी खड़ा हुआ है ये 45,000 का हो गया, हम वहाँ के हिसाब से लगाए। और दूसरा ये जो $399 का है, $400 का ये जो है, अब ये पाकिस्तानी हिसाब से अगर लगाए तो 1 लाख रुपए का हो गया एक तरह से, और वहाँ इंडिया के हिसाब से लगाए तो 50,000 का हो गया। अब ये लोग यहाँ परचेस करते हैं, यहाँ के हिसाब से तो डॉलर है, मगर हम अब कन्वर्ट करते हैं तो देखेंगे ये सारे चीजें यहाँ पे मौजूद है। आज 18 अक्टूबर है तो ये तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो अभी तो। और वहाँ न्यूयॉर्क में तो इसकी एक परेड भी बाकायदा निकलती है, जिसमें लोग सारे ये कॉस्ट्यूम पहन के निकलते हैं तरह तरह के, और वो कॉस्ट्यूम पहन के ये देखें, ये पम्पकिन जो है 1999 का है, 1499 का, डॉलर का है, ये $39 का है ये तकरीबन। ये वाला पम्पकिन जो है $39, इसके माने 10,000 का हो गया। अब कन्वर्ट कर ले अपने अपने हिसाब से, नीचे सबके लिखे हुए हैं कि ये कितनी महंगी महंगी चीजें हैं। इसमें ये लाइटें वगैरह रखते हैं ताकि इनके घरों में जीन भूत ना आए, और उन्हीं का लिबास पहनते हैं ताकि वो ये समझे कि ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं, तो इनको नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, और मगर ये एक फेस्टिवल देख लेंगे, सब जानवरों के। वो जो कैलेट कबीला था ना, वो भी जानवरों को मार देता था, और उसके मकसद है कि सिंह वगैरह ये सब पहन लेते थे कि भाई वो टिकट। ये देखे सब, अभी इनका अकीदा देखें कि ये अपने सोचते कि हमारे आबा अजदाद इस रूप में आते थे। अब हम लोगों का तो, हमारे आबा अजदाद तो माशाल्लाह नेक और साले थे, हम तो समझते हैं, और अल्लाह के फजल से हम नबी की उम्मती हैं, तो हमारा तो जन्नत में है, तो हमारे वालदेन इस तरह आएंगे क्या, हमारे बुजुर्ग इस तरह आएंगे? मगर इनका ये अकीदा है। अब ये एक त्यौहार बन गया और ये बिजनेस सेक्टर कर गया है। मैं कह रहा हूँ 9 बिलियन का कारोबार हुआ है, होता है अमेरिका में इसका। और मैं आपको मजीद जगह ले चलता हूँ।